हाय, मेरा नाम मीनाज शेख है, मैं मुंबई से हूँ. मेरी फैमिली में मेरे डैड हमेशा सपोर्ट में नहीं थे कि मैं पढ़ूँ, इनफैक्ट थोड़ी सी भी पढ़ाई करूँ. जब मेरी मॉम ने उनसे पूछा कि बच्ची बड़ी हो गई है, एडमिशन करवाना है, सो ही टोल्ड मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी. एंड माई मॉम, शी वेंट अगेंस्ट माई फादर एंड शी टोल्ड हिम कि मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल पढ़ाऊंगी. उन्होंने अपनी इयररिंग्स बेच दी ताकि मैं स्कूल में जा सकूँ, पढ़ाई करूँ. और बहुत बड़ी स्कूल में तो नहीं, बट उन्होंने मुझे उर्दू मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया. 10th स्टैंडर्ड तक मैंने उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाई की. उसके बाद इंग्लिश मीडियम कॉलेज, 5 ईयर्स इन इंग्लिश मीडियम. एंड इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो कोप अप फ्रॉम द एंटायर 10 ईयर्स ऑफ उर्दू, एंड देन अगेन एवरीथिंग वॉज इंग्लिश. अ लॉट ऑफ हेल्प वॉज देयर फ्रॉम माई मेटर्नल अंकल नूर. सो बचपन से ही वो चाहते थे कि मैं उनकी भांजी और उनके सारे नीज एंड नेफ्यूज पढ़ाई करें, आगे बढ़े. बिकॉज मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया था बहुत साल पहले ही, एंड ही यूज टू लुक एट माई मदर एंड ही यूज टू टेल अस ऑल्सो एट द सेम टाइम कि तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है. ही ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग दैट तुम्हारी मॉम के पास उनके माँ बाप है, उनका भाई है, वो सक्सेसफुल, बट तुम्हारे मॉम डैड नहीं है. इनफैक्ट माई मॉम ऑल्सो डाइड लाइक इन 2015. सो आई डोंट हैव दैट सपोर्ट ऑफ माई मॉम डैड राइट नाउ, बट माई अंकल इज देयर. मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स मी टू डू. That was the main reason मेरी family के against जाके जो भी rules and principles थे family के, मेरी mom ने और मेरे uncle ने मुझे पढ़ाई करवाया. In fact जब मेरा graduation भी हो रहा था, my nanny used to tell me कि बस graduation बहुत हो गया है, अब उसके बाद तो शादी करवानी है. And I used to think बहुत पढ़ लिया है life में, job करते हैं, अब कुछ different करते हैं. But my nanny was you know स्टॉपन के भाई शादी करवाना है. एंड माई मामू वॉज लाइक नहीं, शादी वादी तो नहीं करवाएंगे, जो बहनों के साथ हुआ है भांजियों के साथ नहीं होना चाहिए. देन ही टोल्ड मी MBA कर लो. लाइक मामू MBA बस 2 साल का ही है, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. उसके बाद आई वेंट टू CATKing फॉर इंक्वायरी वन डे. आई यूज टू वेयर बुरखा एट दैट टाइम, सो आई वेंट फॉर द काउंसिलिंग सेशन. द सेंटर मैनेजर, उसने काउंसिलिंग किया पूरी. देन राहुल सर केम, so he did the entire demo session. Then he told me, smart to ho tum but pad lena. If sir can see that, if this guy who has just spent you know 5-10 minutes with me, if he can say ke kar sakte ho, my mamu used to tell me ke kar sakte ho. So I started studying with CATKing. To cheeze to sab sir ke upar se jati thi, because it sab kuch padha hua tha but sab kuch urdu mein padha hua tha. So things were so difficult for me at that time. I looked at the book and I'm like, main kya karu iska. Then I told Rahul sir, okay, sir, this is the problem I'm facing. So sir suggested me one thing. He actually offered me a job. So he suggested me, tum usi pe kaam karo, tumhari padhai, tumhara job same hoga, which will make everything easier for you. Still it was not that easy, but kafi time spent kiya. Kaam padhai dono same thi, isi bhi cheeze better hui. Unfortunately usi time mein meri mom ki death ho gayi. It was a sudden death. We were not expecting that. Things got very affected. My state of mind, my studies, my entire family, we all were very disturbed. Like for 15 days, I was not in the correct mind state. I was not able to talk. I was not able to recognize anybody. Things were in a very bad situation. Then one day, Rahul sir told my uncle, ke dekho, jo ho gaya hai, ho gaya hai. Bachchi hushyar hai tumhari. तुम ही हो उसके जो भी हो, मॉम डैड है नहीं, अब पढ़ाओ इसे, दिमाग खाली मत जाने दो. 15 दिन हो गए, बट अगर अब इसने फिर से रिज्यूम नहीं किया काम, तो शायद थोड़ी देर हो जाएगी. अगेन आई सॉ समबडी सपोर्टिंग मी सो मच, राहुल सर. देयर वाज दिस कॉलेज फॉर MBA, सो सर टोल्ड मी, तुम ये क्रैक कर लो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. आई एम लाइक, दिस इज नॉट करेक्ट, मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ. देन ही टोल्ड मी कि अगर तुम्हारा ये कॉलेज कन्वर्ट हो गया तो तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे. एंड वो बाद मैंने बहुत दिल पर ले ली. एंड आई वर्क सो हार्ड, आई कन्वर्टेड दैट कॉलेज एंड आई केम टू हिम एंड आई टोल्ड सर ये लो. एंड सो वाज लाइक, अरे वाह, उर्दू मीडियम तुमने ही कर लिया. देन आई रिमाइंडेड हिम कि सी, वंस यू टोल्ड मी कि अगर मेरा ये कॉलेज हो गया तो मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में हो जाएगा, विच वॉज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू यू, बट सी आई हैव डन. That was the time he told me, भाई ये लड़की तो जितना सोचा था उससे आगे जा रही है. Then he told me कि नहीं, अब देखो क्या करना है, टेक अ डिसीजन. Then I told him, एडमिशन नहीं लेना.
कन्वर्टिंग दैट कॉलेज गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, एक और साल देते हैं, देखते क्या होता है. देन फाइनली आई कन्वर्टेड NMIMS Bangalore. दैट वॉज लाइक अ ड्रीम. NMIMS brand was a very good brand. When that happened, everybody was so happy. So how I changed so much, and I recall those times. I still remember once, sir was taking a mock GD and I was clueless and I couldn't speak a single word. Jaise hi mock GD khatam hua, we went outside. Sir came to me and he was like, "Itne bure haal hai, itne bure haal hai." And I was not able to say anything again. Matlab, I felt so bad. So sometimes these things, you know, push you so much towards the success. So उस time पे मैंने काफी दिल पे ले लिया था because there were other people also in front of whom sir told me. After that he told me कुछ करो वरना चीजें तो बहुत difficult है आपके लिए. And I immediately replied, sir, can you please guide? And that's how he became my mentor. And till today he's here with me. There was just one reason I was working. There was no money. I was just earning 8,000 rupees a month, which was like towards the end of my job. So right from scratch, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे. Having those, you know, learnings and those things with me, I went to the MBA college and implemented all of those things there. Then जब हमारा final placement शुरू हुआ, so I recalled everything that Rahul sir trained us. So if I'm going and sitting for VM Ware, think as if this is the only company in this world and you don't have any other option. When VMware came, everything I was thinking was VMware or nothing. If one advice I have to give to all of you, I would say know yourself very well. I know myself very well. I knew my weaknesses. I knew where I was wrong. If you desire something, you will get it. But it depends on you how crazily you want it. As I have told you my story that I used to earn just 8,000 rupees a month. Meri choti behan, she was earning 12-15,000. She just passed her 12th standard and I was graduated still. मैं 8,000 कमा रही थी अपनी बहन से कम. But agenda मेरा काफ़ी clear था कि अभी सीखना है, जब सही time आएगा तब पैसे भी कमा लें. For me the right time was after my MBA and hence finally जो सोचा था I got that. Now I have a 21 lakhs package in my hand at VMware. So जब I was in school, मेरे teacher के बड़े भाई आए हुए थे and he was a shy. So he saw me once and he told me कि कुछ अगर तुम्हें लिखना है तो लिख दो, it's okay. मैंने कहा नहीं, मुझे डर लगता है. So he told me बेटा कभी भी अपने ऊपर doubt मत करना, self doubt मत करना. And he wrote one line in my notebook which was अपनी जाते खास पर नाज कर एतबार कर. Whoever you are, trust yourself, have faith in yourself and be proud about yourself. If I want something, I will get it. And I have done everything to, you know, achieve whatever I wanted in my life so far. And I'm really grateful to Rahul sir, to my uncle, to my mother, and to my family also to support me till this day. Don't compare yourself with the other person because unki story, unka background, unka situation is very different. But compare yourself with your own self. Jo aap kal the, jo aap aaj ho, you should be a better person today. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from CATKing.